Good morning, dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are fine. तो previous class में हमने mathematics का chapter number 1 start किया था. आज हम आगे पढ़ते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे large number से. देखो, the largest 5-digit number is 99,999. हमने 5-digit number पढ़ा. अब देखो, हम लोग जानते हैं कि जो भी लार्जेस्ट नंबर होता है वो 999 ही होता है. ठीक है, तो लार्जेस्ट 5-digit नंबर क्या होगा? 99,999. ठीक है, अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? तो आ जाएगा 0000001. ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. अब 10,000 के बाद क्या आएगा? लैक. तो ये क्या आएगा? 1,00,000. तो ये क्या हो जाएगा? 1,00,000. जब 99,999 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,00,000. ठीक है, कितना आ जाएगा? 1,00,000. तो देखो, यहाँ पे 99,999 में जब 1 प्लस करें हम लोग तो क्या आएगा? लैक. ठीक है, तो क्या हो गया? देखो, 1,00,000 में क्या यूनिट डिजिट? 0, 10, 0, 100, 0, 1,000, 0, 10,000, 0 और लैक में 1 भी. ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर इज़ 1,00,000. तो जो स्मॉलेस्ट 6-digit, देखो, द लार्जेस्ट 5-digit नंबर था वो क्या था? 99,999. इसमें 1 जोड़े तो कितना आ गया? 1,00,000, जो कि होगा सबसे छोटा 6-digit नंबर. ठीक है, अब देखो, रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स. इन नंबर्स को पढ़ते हैं. जैसे देखो, 7,389, 61,405, 1,00,354, 7,03,089. ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ डिजिट. नंबर ऑफ डिजिट देखो, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? देखो, 4-digit नंबर की जब हम बात करते हैं, 4-digit नंबर की जब हम बात करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1,000. ठीक है, जैसे हम 1,000 बोलेंगे. और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 9,999. ठीक है, जब हम 5-digit नंबर की बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10,000. और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 99,999. जब हम 6-digit नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटा क्या होगा? 1,00,000. और सबसे बड़ा क्या होगा? 9,99,999. ठीक है, जब 7-digit नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटा क्या होगा? 10,00,000. याद रखना, लैक के बाद 10,00,000 आता है. ठीक है, तो और सबसे बड़ा क्या होगा? 99,99,999. ठीक है, और जब 8-digit नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटा होगा 1 करोड़. और सबसे बड़ा होगा क्या? 9,99,99,999. ठीक है, ये सारे नंबर्स हमें कब मिलते हैं? तो जब हम 1 प्लस कर करते जाते हैं. देखो, 9,999 में 1 प्लस करें तो क्या है? 10,000. 99,999 में 1 प्लस करें तो क्या है? 1,00,000. 9,99,999 में 1 प्लस करें तो कितना है? 10,00,000. ठीक है, ऐसे. अब देखो, जब हम 9,99,999 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 करोड़ आ जाएगा. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 करोड़. ठीक है, अब देखो प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, जब हम करोड़, टेंस वगैरह के बाद देखो यूनिट्स. ठीक है, यूनिट्स में क्या आता है? यूनिट आता है, 10 आता है और 100 आता है. ठीक है, 1,000 में 2 आते हैं, एक तो 1,000, एक तो 10,000. लाख में भी 2 आता है, एक लाख और एक 10 लाख. और करोड़ में कितना आता है? करोड़ और 10 करोड़. ठीक है, तो याद रखना, आप सबसे पहले क्या आएगा? वंस, फिर टेंस, फिर 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ठीक है, ये है प्लेस वैल्यू आपका चार्ट. ठीक है, अब देखो आता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द डिजिट इट्सेल्फ. फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होगा. यानी अगर 1 का फेस वैल्यू बोला तो 1, 2 का फेस वैल्यू बोला है 2, 3 का फेस वैल्यू बोला. ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पे रखा है, यानी कौन से पोजीशन पे है. ये मैटर, चाहे वो वंस में रखो, चाहे वो थाउजेंड में रखो, चाहे लाख में रखो, चाहे करोड़ में रखो, ये मतलब नहीं करता. अगर वो 5 है तो उसका फेस वैल्यू 5 ही होगा, अगर वो 3 है तो उसका फेस वैल्यू 3 ही होगा. फेस वैल्यू यानी चेहरे की वैल्यू. जब हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो हम ही दिखते ना. हमने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हो तो भी हमारा चेहरा वही रहता है, अगर हमने घर की ड्रेस पहनी हो तो भी हमारा चेहरा वही रहता है. तो फेस वैल्यू यानी वो किस कोई भी जगह में वो वैल्यू नहीं करता, बस वैल्यू करता है तो वो नंबर. ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिया यूनिट में दिया 1, टेंस में 2, 100 में 6, 1,000 में 7, 10,000 में 4, लाख में 3, 10 लाख में 5. अब आपको पूछेगा 1 का फेस वैल्यू बताओ, तो 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा. ठीक है, और प्लेस वैल्यू क्या होगा? देखो, 1 लिख दिया आपने प्लेस, और 1 के पीछे कितने डिजिट है? कोई डिजिट नहीं, तो 1 यूनिट प्लेस में, तो 1 का 1. अब देखो 2 का
टू का फेस वैल्यू पूछेगा तो टू का फेस वैल्यू क्या होता है, टू का टू ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा, हम टू को लिखेंगे और टू के पीछे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो लगा देंगे तो हो गया 20। ठीक है, अब देखो सिक्स का फेस वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा, सिक्स ही होगा। लेकिन जब इसका प्लेस वैल्यू पूछेगा, याद रखना फेस यानी चेहरा, फेस वैल्यू यानी एज इट इज़, यानी अगर सिक्स का पूछा तो सिक्स, टू का पूछा तो टू, और प्लेस वैल्यू यानी उनकी जगह की है वैल्यू, यानी वो कौन सी जगह पे है। ठीक है, तो देखो सिक्स का पूछेगा तो सिक्स लिख दिया, सिक्स के पीछे कितने डिजिट्स हैं, दो, तो जीरो। ठीक है, और एक तरीका और है, जैसे सिक्स हमने लिख दिया, सिक्स कौन सा पोजिशन में, हंड्रेड, हम जानते हैं हंड्रेड में कितने जीरो होते हैं, दो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद देखो आपको क्या पूछा, सेवन का प्लेस वैल्यू कितना है, तो सेवन का प्लेस वैल्यू कितना, सेवन का प्लेस वैल्यू होगा सेवन, और इसका फेस वैल्यू होगा सेवन, और प्लेस वैल्यू क्या होगा, सेवन लिख दिया, सेवन के पीछे कितने डिजिट है, वन टू थ्री, तो लगा दिया थ्री जीरो, तो हो गया 7000। ठीक है, उसके बाद पूछा फोर, तो फोर का फेस वैल्यू फोर, और फोर का प्लेस वैल्यू 40000। थ्री का प्लेस वैल्यू पूछा तो फेस वैल्यू तो थ्री, और प्लेस वैल्यू तो थ्री, 30000। ठीक है, उसके बाद फिर 3 लाख, उसके बाद फिर फाइव का पूछा फेस वैल्यू तो फाइव, और प्लेस वैल्यू पूछा तो 50 लाख। ठीक है, तो ऐसे आपका होगा। अब आप तो जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, आप तो जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म पूछता है, जैसे ये 204381 पूछा, तो फेस वैल्यू सबकी वही होगी। देखो वन का प्लेस वैल्यू वन है, एट का एट है, थ्री का थ्री है, फोर का फोर है, जीरो का जीरो है, टू का टू है। ये मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता कि वो कौन से प्लेस में, वो यूनिट में है कि हंड्रेड। वन है तो वन होगा उसका फेस वैल्यू, टू है तो टू है, लेकिन प्लेस वैल्यू यानी जगह की वैल्यू मैटर करती है। तो देखो वन का वन हो गया, एट का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, एट लिखे, पीछे कितना डिजिट है, एक, तो जीरो लगा दी, 80, ये होगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है प्लेस और फेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म तो हम जानते हैं कैसे लिखते हैं। अब देखो 204381 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, देखो उसके बाद कि 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर 4 लिखोगे, 4 के पीछे कितने डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लगा दोगे। फिर 3 लिख देना, 3 के पीछे कितने डिजिट है, 2, तो 2 लगा देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8, और उसके बाद 1। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब देखो प्लेस कॉमास, कॉमा कहाँ पे लगाया जाता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मैं कॉमा यूज़ करती हूँ तो क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम लिखेंगे 189, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, अब हमने लिख दिया 2089, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये देखो जो ये हैं,